दोस्तों दो न्यूज़ें, एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, दूसरी है बेसल कन्वेंशन की। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड ये एक बोर्ड के इस तरफ लिखा हुआ है रिकवरी प्रोग्राम। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये जो है अभी हाल ही में न्यूज़ में है, क्योंकि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने कहा है कि इसका संरक्षण कीजिए, कुछ बचाइए इसको, बहुत ज़्यादा कमी हो गया है इसका। तो इसके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट को बोला है, कुछ कमेटी बनाएंगे और ये जो है ये कमेटी जो है कुछ देखेंगे कि किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है। ये अभी हाल ही में भारत सरकार ने इसे शेड्यूल वन में ऐड किया हुआ है। साइट्स ने भी इसको अपने वन में रखा है, शेड्यूल वन में रखा है साइट्स ने भी। साइट्स जो है वो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, भारी भरकम नाम वाला, जो कि कुल मिला के अंत में एंडेंजर्ड स्पीसीज की व्यापार पर रोक लगाता है। कहने का मतलब यही है कि ये जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज के कोई भी हो, चाहे पशु हो या प्लांट हो, उसके ऊपर ये रोक लगाता है। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज जो होता है वो विलुप्त प्राय होने वाले जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो अगर जिनका ज़्यादा दोहन किया गया तो अब ये लुप्त में आ जाएंगे। अभी देखिए लुप्त लुप्त में आ जाएंगे और लुप्त के बाद ये समाप्त हो जाते हैं फिर। ठीक, अगर ये और ज़्यादा दोहन अगर इनका किया गया, यानी कि इनके साथ और मारकाट की गई, तो समझ लीजिए समाप्त हो जाएंगे, बेहद खतरनाक है। तो ये एंडेंजर्ड में आता है और ये हो जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। साइट्स ने इसे रखा है अपने एंडेंजर्ड में, लेकिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखता है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक जो है उसने इसे रखा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, मतलब यहाँ रखा है इसने क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। तो राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड आप याद रखें मैं बोल रहा हूँ। यहाँ जो आपने देखा कि ये आ गया है किसमें, यहाँ। अब ये दोनों की स्थिति देखते हुए गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ करना चाहिए, वरना वास्तव में ये जो कम हो रहे हैं। तो जीआईवी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर्यावरण मंत्रालय ने रिकवरी प्रोग्राम चलाया। रिकवरी प्रोग्राम कुछ रिकवरी करेंगे जीआईवी की, और भी अन्य जो पशु हैं जो इसमें ऐड हैं उनकी भी रिकवरी की जाएगी। तो जीआईबी जो है वो क्या, सॉरी, रिकवरी प्रोग्राम है वो क्या है, तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए है। तो तीन बात ध्यान देने योग्य, ये है क्रिटिकली के लिए, ये भी है क्रिटिकली के लिए रेड डाटा बुक, और ये भी है, ये सॉरी, ये है एंडेंजर्ड के लिए। तो रिकवरी प्रोग्राम है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए आया गया था। इस प्रोग्राम को एक प्रोग्राम और है जिसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था। तो ये जो भारी भरकम प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम वाला जो प्रोग्राम चल रहा है, इसे ध्यान से सुनिएगा कि जो रिकवरी प्रोग्राम है, IDWH यानी एकीकृत वन्य जीव आवास विकास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। अभी देखिए फोकस कीजिए, हैबिटेट वन्य जीव का आवास का कुछ विकास करना है। विकास कहने का मतलब है संरक्षण करना है। तो संरक्षण आप किस तरीके से कर सकते हैं, या तो पार्क में कीजिए, या फिर अभयारण्य में कीजिए, या फिर टाइगर रिजर्व में कीजिए। ऐसे संरक्षित एरिया में आप इसका संरक्षण कर सकते हैं, या फिर संरक्षित एरिया के बाहर भी संरक्षण किया जा सकता है। तो संरक्षित एरिया तो है ही, इसमें ये भी ध्यान है कि संरक्षित एरिया के बाहर भी आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसे सर्कल में ध्यान रखिएगा ये। और दूसरा कि जीव के आवास का आपको क्या करना है, आवास का संरक्षण करना है। और किस प्रकार का जीव होना चाहिए, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रकार का होना चाहिए, विलुप्त प्राय, मतलब अगर इससे ज्यादा गया तो ये समाप्त हो जाएगा, इस प्रकार का जीव होना चाहिए। अब रिकवरी प्रोग्राम है तो इसके तहत कोई ना कोई जोड़ेगा स्पीसीज को, तो रिकवरी प्रोग्राम के तहत स्पीसीज जो है वो जोड़ी जाती है, नाम ऐड किया जाता है। जैसे जीआईबी का ऐड किया गया तो उसी प्रकार अन्य स्पीसीज का किया जाता है। कौन सी संस्था करती है, तो बताएंगे NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वह करती है। ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ ये जो संस्था है, ये है एक्ट के तहत बनाई गई थी। भारत सरकार ने एक एक्ट लाया, जो एक्ट था वो था वन्य जीव संरक्षण 1972। तो वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत एक एक्ट लाया गवर्नमेंट ने, और इसके तहत इसे बनाया, क्योंकि एक्ट के तहत बनाई गई है, एक कानून के तहत बनाई गई है, इसीलिए एक सांविधिक निकाय है। अभी आप देखिए सांविधिक निकाय होता है एक,
और एक होता है कौन सा निकाय, संवैधानिक निकाय। तो मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से। तो ये जो संवैधानिक निकाय होता है, वो संवैधानिक निकाय क्या होता है, संविधान में इसे दर्जा मिलता है, उसे संवैधानिक निकाय बोलते हैं। जैसे कि वित्त आयोग हो गया, जैसे कि निर्वाचन आयोग हो गया, तो वो जो है संवैधानिक निकाय है। बहुत पावरफुल संस्था होती है संवैधानिक निकाय, लगभग गवर्नमेंट के बराबर ताकत रहती है इसमें। गवर्नमेंट जो है इसे हिलाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसे, संवैधानिक निकाय को, पावरफुल होता है। लेकिन सांविधिक निकाय है, इसका मतलब ये है कि ये जो है गवर्नमेंट के अंडर होगा, गवर्नमेंट के अंडर, तो ये गवर्नमेंट के अंडर है, ये गवर्नमेंट की ताकत के बाहर रहता है अक्सर लगभग। ये जो है NBW एंड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये सांविधिक निकाय है और 1972 के अंतर्गत पावर पाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये चेयर्ड अध्यक्ष जो होते हैं इसके, प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी जी हैं। तो NBBWL, इसके पहले IDWS देखा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड हैबिटेट के तहत प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को जो है किसने लॉन्च किया, पर्यावरण मंत्रालय। और यही किसके, अभी इस बार जो है ग्रेट इंडियन GIB का संरक्षण कर रहा है। अब सवाल यह है कि जो हमारा GIB है ये कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में। राजस्थान में बहुत ज़्यादा बहुतायत में मिलता था, अभी भी मिलता है, लेकिन यहाँ जो है संख्या अब कम हो रही है धीरे धीरे इनकी। तो अब आप आगे देखिए कि ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है। एक बात और है कि ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है, लेकिन ये जो है क्यों कम हो रहे हैं, तो कम होने का कारण जो है वह है इनका शिकार होना। शिकार होने के कारण ये जो है कम हो रहे हैं। कौन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सेकंड जो न्यूज़ है वहां आ जाते हैं। और एक बात और कि रेड डाटा जो बुक है ये हमारे IUCN के द्वारा लिखी जाती है, तो ये भी याद रखिएगा, IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक लिखी जाती है, मतलब IUCN रिपोर्ट प्रकाशित करता है किसके लिए, रेड डाटा बुक के लिए। अब ये बेसल कन्वेंशन है, ये अभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेसल कन्वेंशन को जो है अभी हाल ही में इसमें एक सदस्य और जुड़ा है, क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है इसमें जुड़ा है अभी हाल ही में, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। तो सितंबर में 2019 में साइन किया है क्रोएशिया ने, और क्रोएशिया के साइन होते ही ये इंटरनेशनल लॉ बन गया। तो इस पोर्शन को अभी यहीं रहने दीजिए। आइए, बेसल कन्वेंशन 1992 में ये जो है एग्जीक्यूट होता है। बेसल जो है एक शहर है जो कि स्विट्जरलैंड में शहर है, स्विट्जरलैंड का शहर है ये, 1992 में एग्जीक्यूट होता है। और आगे चल के बेसल अमेंडमेंट किया जाता है 1995 में, इसमें अमेंडमेंट यानी संशोधन किया जाता है। बेसल ये क्या, इसका मेन जो फोकस है, किसी भी जहरीले अपशिष्ट पर एक देश से दूसरे देश पहुंचाने, यानी कि एक देश से किसी भी जहरीले अपशिष्ट का डंप, डंपिंग पर रोक लगाता है। कोई भी जो देश है, डंपिंग कहने का मतलब ये है कि जो डेवलप्ड देश होते हैं हमारे, विकसित देश, OECD देश होते हैं, वो अपना, OECD देश क्या करते हैं, कचरा जो है जहरीला अपशिष्ट होता है वो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उनमें भेज देते हैं, वहाँ डंप कर देते हैं, वहाँ अपना कचरा फेंक देते हैं। तो ये है कि यही है कन्वेंशन जो कि डंपिंग पे रोक लगाता है। लेकिन ये जो कन्वेंशन है रेडियो एक्टिव पदार्थ पर रोक नहीं लगाता है, ऐसा कोई इसमें लिखा नहीं है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का भी जो है इसमें किया जाएगा। दूसरी बात देखें, आइए कि अपशिष्ट की जो हजार्डनेस है, ये जो संधि है, ये बेसल कन्वेंशन अपशिष्ट की हजार्डनेस को भी कम करवाती है। और ये हजार्डनेस का, वेस्ट का जो निस्तारण है, जो वेस्ट का निस्तारण उत्पादन करने वाली संस्था के निकट ही होगा, ऐसा जो है इसका, इस कन्वेंशन में जो है वह लागू करवाती है। कोई भी वेस्ट अगर बनता है, तो वो जो वेस्ट है उसका अगर आपको प्यूरिफाई करना है, या फिर आप उसको अलग अलग तत्वों में तोड़ना चाहते हैं, तो वो चीज़ अगर करना है, तो वो जो कंपनी है या फिर जो देश है, जो भी देश है या फिर उत्पादन करने वाली संस्था है, तो वो वहीं होना चाहिए, ऐसा ये जो है कोशिश करता है बेसल कन्वेंशन 1992। और ये जो है बेसल कन्वेंशन, इसको एग्जीक्यूट कराने वाली संस्था कौन है, तो बैन, बेसल एक्शन नेटवर्क। ये बेसल एक्शन
नेटवर्क जो है यह एग्जीक्यूट कराती है। ये एक प्रकार की चैरिटेबल संस्था है जो कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र हमने अभी पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से, मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक दूंगा उसका संयुक्त राष्ट्र का। तो ये संयुक्त राष्ट्र की ही चैरिटेबल संस्था है। संयुक्त राष्ट्र जो है वह इसके अंतर्गत 6 बॉडीज आती हैं जिसमें सबसे सर्वाधिक ताकतवर जो बॉडी होती है वो कौन सी होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद, ये काफ़ी ताकतवर संस्था होती है। ऐसे ऐसे करके इसकी 6 संस्था हैं और उसी के जो चैरिटेबल संस्था है वो है कौन सी, बैन, बेसल एक्शन नेटवर्क, ये जो इसकी एग्जीक्यूट करवाती है बेसल कन्वेंशन 1992 को जो जहरीले अपशिष्ट पर रोक लगाता है। अब हाल ही में न्यूज़ में इसीलिए क्योंकि क्रोएशिया ने जो है इसको साइन जो है वह किया है। लेकिन एक बात और ध्यान देने योग्य है वो ये है कि ये जो बेसल कन्वेंशन है भारत इसे साइन नहीं किया है, यूएस ने भी इसे साइन नहीं किया है। दो बातें जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो है इतनी जानकारी योग्य बात है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अभी हाल ही में आप जानते हैं कि कोप्स यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 जो थी उसकी बैठक हुई थी, अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक ये बैठक चली है। तो ये जो बैठक चली है इसमें जो है भारत ने कहा था कि हम बॉन चैलेंज के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हैं, यहाँ कहा था भारत ने कहा था ये। तो ये जो बॉन चैलेंज है ये क्या है आखिर, क्योंकि भारत ने कहा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज़ के कारण से। तो बॉन चैलेंज जो है वो बॉन चैलेंज जो है जर्मनी और IUCN, यहाँ भी देखें हमने बताया था IUCN रेड डाटा बुक लॉन्च करती है। तो यही जो संस्था IUCN ये 2011 में इसने शुरू किया था बॉन चैलेंज को। तो ये जो बॉन चैलेंज है ये क्या करता है, विश्व का, इसके अनुसार विश्व का जो 150 मिलियन हेक्टेयर भूमि है वो पुनर्जीवित करना है 2020 तक। तो सवाल ये है कि पुनर्जीवित क्यों करना है, हुआ ये है कि जो शुष्क भूमि है ड्राई लैंड ये चेंज हो रही है किसमें, मरुस्थल में। मरुस्थल कहने का मतलब ये है डेजर्ट में चेंज हो जा रही है। अब डेजर्ट में होता क्या है, ना यहाँ जीवन रहता है यानी कि कोई स्पीसीज नहीं रहेगी, यहाँ कोई जंतु नहीं पनपते हैं, जंतु भी आप देखेंगे रेप्टाइल जैसे बहुत मतलब मुश्किल जो हालात में जी लेते हैं वैसे ही जंतु होते हैं। तो मरुस्थल अगर बन गया तो वहाँ जंतु एकदम कम हो जाएंगे, वहाँ जो है पौधे जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ ना हो, कोई भी शुष्क क्षेत्र जो है वह चेंज ना हो इसके लिए रोकता है, डिग्रेडेड भूमि को, विश्व की जो 150 मिलियन भूमि है वो डिग्रेड हो चुकी है। तो उस जो 150 मिलियन भूमि को उसको पुनर्जीवित करना है 2020 तक, ये बॉन चैलेंज का जो है मेन फोकस है। और दूसरी बात, UNFCCC की 2015 मीटिंग में भारत ने बॉन चैलेंज ज्वाइन किया था। तो 2015 की मीटिंग होती है UNFCCC की, यूनाइटेड नेशन फॉर फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग होती है, क्लाइमेट चेंज मैं इसे हटा के यहाँ लिख दे रहा हूँ, UNFCCC का मतलब है फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का फ्रेमवर्क है 2015 में होता है, वहाँ पास बॉन चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया था। और भारत ने कहा है कि 2020 तक हम 13 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्जीवित कर लेंगे। पर्यावरण मंत्री हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने कहा 13 मिलियन भूमि को हम कर लेंगे। तो प्रतिज्ञा हमने जाहिर की है, हमारी प्रतिज्ञा है 13 मिलियन। यहाँ ध्यान देने योग्य बात, 13 मिलियन याद रखिए, 150 मिलियन याद रखिए और 2020 तक याद रखिए बॉन चैलेंज को। बॉन चैलेंज ये चीज़ है, साथ ही इसके अलावा हमने क्या किया है, हमारा जो है 30% क्षेत्र डिग्रेड हो चुका है भूमि का। तो हमने जो है लॉन्च की फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके लिए अन्य भी जो स्कीम चल रही है ये, और जो है जर्मनी और IUCN के द्वारा 2011 में चालू किया गया इनिशिएटिव। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने पीछे लिखी हुई है जगह की कमी के कारण, एम परिवहन ऐप है और एक है डिजी लॉकर ऐप। ये जो दो ऐप हैं, अभी जैसा कि जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटर वाहन जो है अधिनियम के तहत बहुत ज़्यादा सख्ती बरती गई है, बेहद खतरनाक चेकिंग हो रही है,
तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये परिवहन ऐप और डिजी लॉकर में है, जो कि अगर आप अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं इन दो में तो ही वो मूल रूप जो दस्तावेज के बराबर है, अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं इस ऐप में, अगर आप अपनी पॉल्यूशन का रखते हैं और अगर आप रखते हैं क्या आरसी रखते हैं, इन दो ऐप में ही रखेंगे तभी वो मान्य होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप में खींच के अगर आप पुलिस को बताते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। ऑनली ये दो ऐप है, एम परिवहन ऐप और डिजी लॉकर ऐप, इसी पर मान्य होगा दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट इसी पर होगा। फोकस करने लायक बात है, एम परिवहन ऐप जो होता है वो सड़क परिवहन मंत्रालय का है और डिजी लॉकर जो है वो माइती का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिजी लॉकर है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में कभी भी सवाल आता है तो आप इसके ऊपर फोकस रखिएगा, मूल दस्तावेज के बराबर कानूनी दर्जा मिलता है इसमें, ये एक बेहद शानदार बात। और अब यहाँ जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 2017-18 में हमारा जो प्रोडक्शन है फिशरी का, फिश का, मछली का, ये बढ़ा है 14% तक। तो ये जो 14% तक ये बढ़ा है ये हमारे लिए जो जानने लायक बात यह है कि जो गिरिराज सिंह है हमारे मंत्री हैं, मछली पालन और पशुपालन के जो मंत्री हैं हमारे गिरिराज सिंह, उन्होंने बताया है अभी अभी कि हम जो है सर्वाधिक मछली का जो प्रोडक्शन करते हैं वो अंतर्देशीय करते हैं, मतलब देश के अंदर करते हैं ना कि समुद्र में। तो समुद्र का जो प्रोडक्शन होता है, मतलब समुद्रिक जो प्रोडक्शन है हमारा, अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है अंतर्देशीय, यहाँ पास हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं ना कि समुद्र में, ये जो समुद्र का एरिया है यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है यहाँ। और दूसरा, विश्व में हमारा सेकेंड नंबर पे रैंक आती है मछली प्रोडक्शन में, और सर्वाधिक जो हमारा मछली प्रोडक्शन करता है वो करता है मछली पालन करने वाला काम कौन, गुजराती स्टेट। तो गुजरात सर्वाधिक करता है, विश्व में सेकेंड है, अंतर्देशीय हम लोग ज़्यादा करते हैं, हमारा 14% बढ़ा है अभी प्रोडक्शन। अगर ये सब चीज़ें मछली प्रोडक्शन हम बढ़ाते हैं तो मछली प्रोडक्शन का महत्व क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें किसानों की आय दो गुना करना है, उसमें बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही ये होगा पोषण सुरक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और खाद्य सुरक्षा में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। फिशरी का प्रोडक्शन, मछली पालन का, मछली पालन जो है बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इन चीज़ों को लेकर, पोषण, खाद्य, किसान की आय दोगुना करना में। तो आपने देखा एम परिवहन ऐप जो कि लॉन्च किया गया है हमारे परिवहन मंत्रालय के द्वारा, और डिजी लॉकर जो कि माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, और आपने देखा कि रिकवरी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था IDWH के तहत, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए फोकस करता है। साथ ही रिकवरी प्रोग्राम में स्पीसीज जोड़ने वाला कौन है, NBWL, ये रिकवरी प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, GIB से रिलेटेड है। आज की डेट में GIB जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पाया जाता है कहाँ, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में। साथ ही ये जो है वन वन में ऐड है, शेड्यूल 1 साइट्स की वन में। और दूसरा आपने देखा जहरीले तत्वों के अपशिष्ट को निस्तारण करने के लिए लाया गया था हमारा बेसल कन्वेंशन, उसके बाद इसमें संशोधन किया जाता है अमेंडमेंट के तहत, बेसल बैन अमेंडमेंट के तहत। और जो है उसके ये चार प्रावधान हैं अंतिम में कि बैन जो है वो कौन सी संस्था है जो एग्जीक्यूट करती है बेसल को, लेकिन ये संस्था कौन सी है, चैरिटेबल। एक अंतिम देखा आपने बॉन चैलेंज, जिसमें हमने कहा है कि हम अपनी 13 मिलियन हेक्टेयर भूमि का रिज्यूनेट करेंगे। सो अभी के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप भी जो है YouTube में अपना कुछ बनाएं और स्प्रेड कीजिए उसको, ताकि हिंदी मीडियम का कुछ पुनरुद्धार हो सके, रिकवरी हो सके हिंदी मीडियम की। थैंक यू।